गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड, आई होप यू ऑल आर फाइन, स्टे होम बी सेफ स्टूडेंट। इस वीडियो में आज हम हिंदी ग्रामर का पार्ट एक स्टार्ट करेंगे, जिसका क्या नाम है, वर्ण शब्द और भाषा। तीनों अलग अलग होते हैं, वर्ण शब्द और भाषा। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ण क्या होता है। बच्चों, वर्ण आप लोगों ने पढ़ा होगा, LKG HKG फर्स्ट क्लास में भी इवन आपने पढ़ा होगा ये। तो वर्ण के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले भाषा की ध्वनि को वर्ण कहते हैं, यानी कोई भी भाषा जो होती है उसकी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। कैसे होती है भाषा, जैसे कि मैं बोल रही हूँ हमारे, तो हमारे अलग अलग वर्ण, हमारे व्यंजन हो गया, उसमें अलग अलग स्वर आना, अलग अलग साउंड आना, वो भाषा कहलाता है या वर्ण कहलाता है। सॉरी, वर्ण के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। वर्ण को दो प्रकार से लिखते हैं, कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। स्वर आप सबको पता होगा, आ, आ, ई, ई से लेकर होते हैं, ठीक है। वहीं क, ख, ग व्यंजन होते हैं हमारे, ठीक है। तो स्वर आप सबको पता है, आप लोगों ने पढ़ रखा है आ आ ई ई। उसके बाद व्यंजन अलग होते हैं, क, ख, ग, 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 इनको हम व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो इन सब के समूह, ये दोनों किसके भेद होते हैं, वर्ण के भेद होते हैं। अब वर्ण क्या है बच्चों, ओ से ओ तक स्वर होते हैं, ओ तक स्वर होते हैं क्योंकि इसमें मात्राएं होती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अनुस्वर, अनुस्वर। ऐसे शब्द कौन कौन से होते हैं, अंग और अह, यही होता है ना, इनको अनुस्वर स्वर कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अ आ ई ई उ उ। हिंदी में इन 10 स्वरों का प्रयोग अधिक होता है, आप सबको पता है, क्योंकि ये मात्राओं में भी यूज आते हैं। र का प्रयोग संस्कृत से स्वर और उच्चारण, अब हम पढ़ते हैं स्वर और उच्चारण, यानी स्वर क्या होते हैं और उसके उच्चारण क्या होते हैं। आपने अपनी बुक्स निकाली और उसमें पेज नंबर 7 देखिए। कुछ स्वरों को बोलने से कम समय लगता है, कुछ स्वरों को हम कम समय में ही बोल देते हैं और कुछ को अधिक समय लगता है, जैसे अ ई उ ये हम फटाफट बोल देते हैं, और आ ई उ इसके लिए हमें थोड़ा अधिक समय लगता है। कैसे, क्योंकि हमें टाइम, कैसे टाइम लगता है, हम थोड़ा सा सो, आ, आप बोल के देखिए, प्रैक्टिस करिए, अ फटाफट निकल गया, आ में हमें टाइम लगा। तो ये डिफरेंसेस होते हैं कुछ स्वर और उच्चारण के बोलने में। स्वर एवं मात्राएं, स्वर और मात्राएं देखेंगे हम लोग। प्रत्येक स्वर की मात्रा होती है, हर स्वर की मात्रा होती है। अब हम मात्राएं देखेंगे, ठीक है। ये हम यहाँ स्वर लिखेंगे और यहाँ हम लिखेंगे मात्रा, ठीक है बच्चों। स्वर अ, अभी हमने पढ़ा था ना अ स्वर होता है, तो अ की मात्रा क्या होती है, नहीं होती, पर अ का साउंड हर वर्ड में होता है। अ से अनार की मात्रा नहीं होती ना, आ से आम की मात्रा होती है, क्या होती है, खड़ा डंडा, ये क्या हो गई आ से आम की मात्रा। इसके बाद हम देखते हैं ई, बड़ी ई, ऐसी कुछ होती है। ऊ,
ऐसे लगाते हैं बड़े उ की। ठीक है बच्चों, तो ये ओ से औरत तक की मात्राएं आप सबको पता होगी। यहां हम देख लेते हैं, नीचे स्पेस नहीं है। र से ऋषि होती है, कैसी मात्रा होती है? ऐसी होती है ना, ए की। ओ की और ओ से और ये हमारी मात्राएं हो गई। स्वर हमारे ये हैं और मात्राएं हमारी ये वाली होती हैं। ठीक है बच्चों, तो इन मात्राओं का प्रयोग कर कर हम क्या कर देते हैं, वाक्य को वर्ग को सॉरी वर्ण को चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं स्वरों का प्रयोग। स्वरों का प्रयोग कैसे होता है, मूल रूप में और मात्रा रूप में। मूल रूप मतलब उसका एक्चुअल रूप, और मात्रा रूप यानी उसको मात्रा से एक अलग चेंज करना। जैसे कि अगर मैं सूरज को फॉर एग्जांपल सूरज ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, कौन सा सही होगा? ये वाला सही होगा ना, क्यों? क्योंकि हमने मात्राओं को सही तरीके से लगाया। अगर मैं ये लिख देती हूँ तो ये गलत होगा, क्या होगा? ठीक है, तो ये चेंजेस होते हैं, हम किसी भी शब्द को सही मात्रा के साथ उसको पूरा कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग पेज नंबर 8 पर। अ से अमरूद, आप सबको पता है, ये आपको एक बार घर पे खुद को रीड करना है और ध्यान देना है कि कौन सी चीज़ कौन सी मात्राएं कहाँ कहाँ पर लगाई जा सकती है। उसके बाद आते हैं हम लोग पेज नंबर 10 पे, अनुस्वर, जो कि हमने पढ़ा था। अनुस्वर क्या होता है? ये हमारा क्या होता है? अनुस्वर होता है, लगता है ना, अंग। तो इससे कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं, जैसे कंगन, कंगन, टंकी। अब मात्रा लगते ही क्या हो गया, शब्द चेंज हो गया। इसके बाद आते हैं हम अनुनासिक। अनुनासिक जिसमें चंद्रबिंदु लगता है, जिसे हम चंद्रबिंदु भी कहते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, अनुनासिक। ये अनुनासिक होता है, ये चंद्रबिंदु की तरह लगाया जाता है, हवा नाक मुंह दोनों में से निकलता है। जैसे कि अब देखो, आप लोग एग्जांपल देखो, चंद्रबिंदु का यूज़ दांत बोलते हैं ना, दांत, तो न का साउंड आ रहा है, वही हम देखते हैं सांप, चंद्रबिंदु लग गया। व्यंजन, हमने स्वर पढ़ लिए, अब हम पढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजन आप सबको पता है, अभी हमने पढ़ा था व्यंजन क से लेकर कहाँ तक होते हैं, 33 होते हैं ना टोटल। ये आप लोगों को अगर एक बार देखना पड़ेगा व्यंजन, पेज नंबर 11-12। ठीक है, ये हमारे व्यंजन आते हैं इसी के बीच में। अब आते हैं संयुक्त अक्षर। बच्चों संयुक्त अक्षर क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज है। संयुक्त अक्षर यानी दो शब्दों को, दो वर्णों को आपस में मिलाने का समूह। संयुक्त अक्षर, ठीक है।
जैसे क प्लस षटकोण वाला श, तो क्या हो गया श हो गया। त प्लस र तो क्या हो गया त्र हो गया ना। अब ये अलग अलग वर्ण हैं, अलग अलग व्यंजन है, अलग अलग व्यंजन, दो व्यंजनों को आपस में मिलाया तो हमें एक नया संयुक्त अक्षर मिल गया, यानी दो व्यंजनों को मिलाने पर भी एक अक्षर हमें मिल सकता है, वो क्या कहलाता है, संयुक्त अक्षर कहलाता है। अगर मैं अकेले त लिख देती तो त हो जाता, आप त समझते, और अगर मैं इनको प्लस करने के लिए बोलती तो तर, आप मिलाकर तर लिखते। और जब हम इसको एक इससे एक नया शब्द बनाते हैं या नया संयुक्त शब्द बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, त्र हो जाएगा। उसके बाद आता है वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों का जो सारा समूह होता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं, जिसमें हमारे अ आ आ ई से लेकर क ख ग भी आ जाते हैं। उसके बाद आता है हम लोग पेज नंबर 13 पर शब्द, हम अपनी बात शब्दों के माध्यम से करते हैं, करते हैं ना हम लोग हमारी बातों को शब्दों के माध्यम से ही बताते हैं। वर्णों से मिलने से शब्द बनते हैं, और जो वर्ण होते हैं यानी त अलग र अलग, तो इनको मिलाकर ही हम एक शब्द को पूरा बनाते हैं और हमारी बात को कहते हैं। लेकिन केवल वर्णों का समूह शब्द नहीं कहलाता, सिर्फ केवल वर्णों का समूह ही शब्द नहीं कहलाता। जैसे कि अगर मैंने इन दोनों वर्णों को मिलाकर एक वर्ड श बना दिया तो ये हमारा बातों को कंप्लीट कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, हमें पूरा सेंटेंस बनाना पड़ेगा। जैसे अगर मुझे क लिखना है कमल, तो मैं क्या करूँगी, दो तीनों को आपस में मिलाकर एक बनाऊँगी पूरा और एक साथ बोलूँगी कमल, ठीक है। दो या दो से अधिक वर्णों को सार्थक समूह का शब्द भी कहते हैं। शब्दों का अर्थ नयन, ऐसे आप लोग अलग अलग वर्ड को मिलाकर भी शब्द बना सकते हैं। संयुक्त वर्ण पेज नंबर 14 पर देखिए, संयुक्त वर्ण जब दो वर्णों को जोड़कर लिखा जाता है तो उसे वर्णों का संयुक्त वर्ण कहते हैं, संयुक्त वर्ण कहते हैं, ठीक है। संयुक्त अक्षर हमने यहाँ पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण इनका रूप बदल गया है, लेकिन कुछ वर्णों में अ हटाकर हटाने के बाद उनमें अन्य वर्णों को मिलाकर प्रयोग में लाया जाता है, जैसे दो वर्णों को आपस में मिलाना। ये हमने व्यंजनों को मिलाया था, व्यंजनों को मिलाया था और उसे एक नया संयुक्त अक्षर बनाया था। अब हम बनाएंगे संयुक्त वर्ण, कैसे, वर्णों को आपस में मिलाकर, क प्लस क, तो आप किसी भी चीज़ में क और डबल बार जब क आता है तो आप क लिखते हैं, आप कुछ ऐसा चेंज करते हैं, देखते हैं ना। जैसे मक्का, डबल बार क आता है, आधा क और फिर पूरा क, ये मक्का हो गया, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क डबल च, सॉरी डबल च, ये हमारे दो अलग वर्ण हो गए। इसको मिलाकर हम क्या बनाते हैं, जब द किसी भी शब्द में दो बार च आता है तो हम ऐसे लिखते हैं ना, आधा च और फिर पूरा च। यहाँ देखेंगे बच्चा, जब हम बच्चा लिखते हैं तो उसमें एक आधा च भी आता है और एक पूरा च भी आता है, ये हमारे संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। दूसरे वर्ण देखते हैं, दूसरे वर्ण त प्लस त, जिस वर्ड में दो बार त आता है तो हम क्या लिखते हैं, एक आधा त और एक पूरा त, ठीक है। और उससे हम एक वर्ड बनाते हैं तो छाता, छाता में दो त आते हैं, आधा त और पूरा त, छाता, सॉरी छत्ता लिखेंगे हम लोग, छत्ता मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उसमें डबल त आता है तो छत्ता। उसके बाद
और छ। अभी तक हमने सेम वर्डों के दो रूप देखे कि दो सेम वर्ड हैं जिनको मिलाकर हमने आधा त लिख दिया और पूरा त लिख दिया। अब आते हैं हम लोग डिफरेंट वर्ड के आपस में मिले होने पर। च और छ अलग अलग वर्ड है, च अलग है, छ अलग है, तो हम इसे मिला के क्या लिखेंगे, आधा च और छ, आधा च और छ, यही लिखेंगे, यही लिखेंगे। इससे एक वर्ड बनाइए जिसमें च और छ का यूज होता है, मच्छर। मच्छर हो गया। क प्लस ख, कक किस में आता है, पीछे मक्खी में आता है ना। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा स्वर व्यंजन मात्राओं का उपयोग, संयुक्ताक्षर, संयुक्त वर्ण, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को घर पे पढ़नी है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बुक डिस्क्राइब करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।